बहुत ही प्यारे विद्यार्थियों, आप सब दा गवर्नमेंट हाई स्कूल चड़ैक लड़के या ऑनलाइन क्लासेस दे विच स्वागत है। आज असी इंग्लिश ग्रामर विषय दे टॉपिक प्रेपोजिशंस बारे डिस्कस करांगे। बेटा, सब तो पहला सवाल पैदा होता है, What do you mean by prepositions? Preposition दे meaning नू समझने तो पहला आओ अपन कुछ स्थितियां नू देखते हैं, situations नू देखते हैं। सब तो पहला इन्हें तस्वीरां वाल देखो, एक कार अते एक आदमी a man। आप देख रहे हैं एक कार, a car and a man। हुण इन्हां दोनों ही तस्वीरां दा आपस दे विच कोई संबंध नहीं है, अलग अलग ने, दे डू नॉट हैव एनी रिलेशन विद ईच अदर। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, हेयर द मैन इज इन द कार, आदमी कार दे विच है। इत्थे इन्हां दोवां दे विच एक रिलेशन है कि आदमी कार दे विच है। Look at these pictures now. Here is a table and a globe. A table, a globe. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਨੇ। They also don't have any relation with each other. Now look at this picture. Here द ग्लोब इज ऑन द टेबल, इत्थे इन्हां दा रिलेशन है कि टेबल नीचे है, ग्लोब उसके उपर पिया है। हुण प्यारे विद्यार्थियों, साडे कोल दो सिचुएशन ने, द मैन इज इन द कार, द ग्लोब इज ऑन द टेबल। इन द फर्स्ट सेंटेंस, इन इज प्लेस्ड बिफोर द कार एंड टेल्स इट्स रिलेशन with the man। In word car ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ the man ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ, noun ਦੇ ਨਾਲ। In the second sentence, on is placed before the table and tells its relation with the globe। On word table noun ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ the globe ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ। सो असी ये कह सकते हैं, सो एनी वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन एंड शोज इट्स रिलेशन टू सम अदर नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड अ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन बेटा दो वर्ड्स दे मेल तो बनया हैगा, जिवें कि असी हुणे हुणे डिस्कस किया, प्री ते पोजिशन। प्री मीन्स बिफोर, अते पोजिशन का मतलब प्लेस। वो शब्द जिहड़ा किसी नाउन या प्रनाउन दे अगे लग्या हुंदा, पहला लग्या हुंदा, ते वो किसी दूसरे नाल रिलेशन दसदा, उसनों असी प्रेपोजिशंस कहने। हुण कुछ प्रेपोजिशंस दे नाम असी देख लीए जिहड़ियां आम साडे कोल हुंदियां। द वर्ड्स लाइक इन, इनटू, ऑन, अपॉन, एट, टू, इनटू, ऑफ, फॉर, बिटवीन, अमंग, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, अते होर भी बहुत सारिया प्रेपोजिशन ने। इस तरह के वर्ड्स नू दे आर कॉल्ड प्रेपोजिशन। कुछ प्रेपोजिशन के बारे डिस्कस करांगे। लुक एट द पिक्चर, वेयर इज द ट्री, ट्री कित्थे है। द ट्री इज बिटवीन द टू हाउसेस, ट्री दो घरां दे विचाले है। नाउ वेयर इज द हाउस, हाउस कित्थे है। द हाउस इज सिचुएटेड अमंग मैनी ट्रीज, बहुत सारे दरख्तां दे विचाले स्थित है। हुण इस नूं असीं जनरलाइज करिए
बिटवीन ते अमंग दे विच की फर्क आया बिटवीन वैन अ परसन और अ थिंग इज इन द मिडल ऑफ टू थिंग्स और परसन दैन वी यूज बिटवीन जदों कोई भी व्यक्ति या कोई वस्तु दो चीज़ां दे जां दो व्यक्तियों के विचाले हुंदी है तो असी बिटवीन प्रेपोजिशन यूज करते हैं अमंग वैन अ परसन और अ थिंग इज इन द मिडल ऑफ मोर दैन टू थिंग्स दैन वी यूज अमंग जदों कि व्यक्ति जां कोई वस्तु दो तो वध व्यक्तियां जां वस्तुओं के विचाले हुंदी है तो असी अमंग यूज करते हैं Now, where is the tree? Tree kithe hai? The tree is in front of the house. Drakhat house de samne hai. Now, where is the tree now? Hun drakhat kithe hai? Ye pichla. The tree is behind the house now. ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਤੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਵੈਨ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਰਦਰ ਫਾਰਵਰਡ ਦੈਨ ਬਟ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਸਮਥਿੰਗ ਔਰ ਸਮਬਡੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਹਾਈਂਡ It is used when something is at or towards the back of something or somebody. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਈਂਡ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ Look at this picture. What is the girl doing? ਲੜਕੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ She is jumping over the hurdle. ਉਹ ਹਰਡਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜੰਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਓ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਲੈਕ ਕਲਾਊਡ ਬਲੈਕ ਕਲਾਊਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅੰਬਰੇਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲੈਕ ਕਲਾਊਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਬਵ ਦਾ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਲਿਟਲ ਗਰਲ ਉਹ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਓਵਰ ਐਂਡ ਅਬਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ Over. It is used before something which is crossed from the upside or completely covered by something else. It is used before something. ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ use ਹੁੰਦਾ which is crossed from the upside. ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੀ cross ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ side ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ side ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ preposition ओवर यूज करते हैं अबव इट इज यूज वैन समथिंग इज वर्टिकली अप ऑन द अदर थिंग ऑफ और अ परसन जदों कोई वस्तु किसी चीज या व्यक्ति दे बिल्कुल उपर सिर दे उपर हुंदी है सिद्धी उदों असीं अबव प्रेपोजिशन की वरतों करते हाँ हुण दोहराई कर लईए व्हाट डू वी कॉल दोज वर्ड्स विच टेल अस द रिलेशन बिटवीन two nouns which preposition is used when a thing is in the middle of two things what is the opposite of in front of pyare vidyarthiyo aao kuch evaluation kar liye main tode ton ek question puchhanga tusi answer dena I shall distribute these sweets dash three friends ਮੈਂ ਇਹ ਮਿਠਾਈਆਂ ਤਿੰਨ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਬੇਟਾ ਯੈਸ ਅਮੰਗ ਅ ਕਾਰ ਇਜ਼ ਪਾਰਕਡ ਡੈਸ਼ ਦ ਟੈਂਪਲ ਯੈਸ ਵਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦ ਆਂਸਰ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ A cat jumped dash the wall. ਕਿਹੜੀ preposition ਆਏਗੀ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼ Yes, over.
The ceiling fan is dash my head. Yes, above. क्योंकि सीलिंग फैन साढ़े सिर दे बिल्कुल वर्टिकली उपर होंगे, इस करके अस यूज करेंगे अबव. नाउ यू शुड डू सम होमवर्क आल्सो. ऑल ऑफ यू विल राइट एट लीस्ट 15 सेंटेंसेस यूजिंग द प्रेपोजिशंस दैट वी हैव डिस्कस्ड टूडे. बच्चों मैं उम्मीद है कि तुहानू अज दा ए लैसन पूरी तरह समझ लग गया होएगा अते तुहानू प्रेपोजिशंस दे बारे हुण समझ लग गई होएगी कि प्रेपोजिशंस किस नूं कहिंदे हन. आप दा बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.